उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीएससी प्रवक्ता यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज एंड राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जो वैकेंसीज आई हुई हैं प्रवक्ता की, और वो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उसमें लगभग लगभग 5,000 फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, तो कितने फॉर्म आ चुके हैं, 5 लाख फॉर्म आ चुके हैं। उनमें से कुछ कुल लगभग लगभग 9,000 के आसपास में कुछ फॉर्म में रिजेक्शन में आए हुए हैं, यानी कि उनमें फ़ोटो में कुछ गड़बड़ी है एंड साइन में कुछ है, तो वो री अपलोड किए जा रहे हैं। तो री अपलोड चयन बोर्ड उसकी साइट पे जाएं, upsc.up.nic.in पर, वहाँ से आप देख सकते हैं रिजेक्शन जो लिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें फ़ोटो साइन की लिस्ट है, री अपलोड हो रहे हैं वहाँ पे। किस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम तो नहीं है, वो केवल होना है 8 फरवरी 2021 तक। यानी ये एक मौका मिला हुआ है कि अगर फ़ोटो गड़बड़ है, यानी कि सही अवस्था में नहीं है, या साइन सही से नहीं हुए हैं, वो छूटे हैं, तो उनको सही से फिर से री अपलोड किया जा सकता है। उसके बाद फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, यानी कि एग्ज़ाम उनका जून में है, फिर दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ये चांसेस है, उसको एक बार चेक कर ले, शायद आपका छूट तो नहीं गया, कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई। तो उस लिस्ट में को चेक करना तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसमें 9,000 कैंडिडेट्स हैं, 9,000 में ढूंढना, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी उसको देखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के पता लग जाएगा कि किस कैंडिडेट्स का कितना में नाम है कि नहीं, उसका रिजेक्शन लिस्ट में या इस वाले में री अपलोडिंग वाले में तो नहीं पड़ा हुआ है। री अपलोडिंग वाले में अगर पड़ा हुआ है तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाएं, फॉर्म को क्लिक करके देख लें, और उसको फ़ोटोज़ को एंड साइन को कुछ अगर मिस्टेक हो तो उसको फिर से सही कर दें। ये लास्ट लास्ट मौका है, क्योंकि फिर उसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा।